जब उन्होंने उस आत्मा के ऊपर जाके इन्वेस्टिगेशन किया, तब उनको पता चला कि इस डॉल के अंदर कोई भी 7 साल की छोटी सी बच्ची का आत्मा बिल्कुल भी नहीं था। इस डॉल के अंदर था एक शैतान का आत्मा, एंड वो शैतान एक बच्ची बनने का नाटक कर रहा था। और उसका मकसद कोई प्यार पाना नहीं था, उसका मकसद था डोना के शरीर के ऊपर कब्जा करना। हेलो गाइस, तो हॉरर स्टोरी सुनना एंड हॉरर मूवीज देखना तो आप सभी को पसंद होगा। जैसे कि मुझे हॉरर मूवीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, एंड इसके बाद चाहे मैं कहीं ना जा पाऊँ, चाहे मैं अकेले टॉयलेट तक ना जा पाऊँ, फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ सारे हॉरर मूवीज़ को। बट उनमें से कुछ एक ऐसे मूवीज़ भी होते हैं जो सच घटनाओं पे आधारित होते हैं, जिसके पीछे कोई रियल स्टोरी रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी एंड डरावनी सी स्टोरी होती है। एंड आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल 100% रियल है, एंड मैं आपको इसकी प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड अगर ये वीडियो पसंद आए एंड अगर आप आइंदा ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो ट्रू हॉरर स्टोरीज के ऊपर, देन इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। द कंज्यूरिंग मूवी की नाम तो आप सभी को याद होगा, एंड इस मूवी में एक छोटी सी गुड़िया को दिखाया गया है, एक छोटी सी डॉल को दिखाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है एंड बहुत ही ज़्यादा स्केरी एंड क्रीपी है। इस डॉल का नाम है एनाबेला। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। उस टाइम पे एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था डोना। उसको बचपन से ही गुड़ियों के साथ खेलना, डॉल्स कलेक्ट करना, डॉल्स के साथ बातें करना बेहद पसंद था। एंड जब वो बड़ी हो गई तब भी उसकी शौक बहुत ही ज़्यादा थी गुड़ियों को लेके। तो एक दिन उसके बर्थडे पर उसकी माँ ने उसको एक डॉल गिफ्ट किया, एक एंटिक डॉल, जो कि एंटिक मतलब बहुत ही पुराना डॉल। सो डोना उस टाइम नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, एंड वो अपने फ्रेंड एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी जहाँ पे उसके मम्मी पापा नहीं रहते थे, वहाँ पे सिर्फ डोना और एंजी रहती थी। तो जिस दिन डोना की माँ ने उसको वो एंटिक डॉल गिफ्ट किया था, डोना ने उसी दिन उस एंटिक डॉल को अपने घर पे लेके वो आई एंड उस डॉल को अपने बेड पे वो सुला दी। बट पहले ही दिन उसको लगा कि वो डॉल अपने आप कहीं और मूव हो गया, क्योंकि उसने उस डॉल को बेड के ऊपर सुला दिया था बट वो डॉल बेड के ऊपर नहीं था। उसको लगा कि शायद एंजी ने उस डॉल को उठा के सोफे के ऊपर रख दिया होगा। उसने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया इस चीज को। एंड इसके बाद लगातार ये सेम चीज होना चालू हो गया। वो कहीं और उस डॉल को रखती थी एंड वो डॉल अपने आप कहीं और मिलता था, मतलब वो डॉल अपने आप खुद का जगह चेंज करता था। कुछ दिन बाद एक ऐसा चीज हुआ जिसको वो दोनों लड़कियां बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाई। वो दोनों लड़कियां जब अपने मेडिकल कॉलेज से घर वापस आई, घर का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि उनके हॉल की फर्श पर बहुत सारी कागजे पड़े हुए हैं, एंड वो सारे कागजों के ऊपर खून से लिखा हुआ है हेल्प। एंड जब मैं बोल रही हूँ बहुत सारी कागजे, आई मीन इट, बहुत सारी कागजे, इतनी कागजे जो कि वो गिन भी नहीं सकती थी। अगर कोई इंसान वो हेल्प लिखता, उसके बस की बात नहीं है कि वो खून से इतनी
इतनी सारी पत्तों के ऊपर, इतने सारे कागजों के ऊपर हेल्प लिखे इतनी बार। तो इस घटना के बाद वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा गई, बट फिर भी उन्होंने उस डॉल को घर पे ही रखा, क्योंकि उनको ये नहीं लगा था कि ये चीज उस डॉल की वजह से हो रही है। बट इसके बाद एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उन दोनों लड़कियों को डरा के रख दिया। ऐसे ही एक दिन वो दोनों लड़कियां कॉलेज से घर वापस आ रही थी, एंड घर वापस आते ही उन्होंने देखा कि वो डॉल अकेले हॉल के अंदर खड़ी हुई थी, एंड वो डॉल रो रही थी, एंड उसके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे इंसानों जैसा, उसके आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। एंड ये देख के वो दोनों लड़कियां इतनी ज्यादा डर गई कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुला लिया। तो वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आके एनाबेला के साथ बहुत बार बात करने की कोशिश की, एंड लास्ट में उन्होंने उन लड़कियों को बताया कि इस डॉल के अंदर एक मरी हुई लड़की का आत्मा है, एंड वो आत्मा जिस लड़की का है उसका नाम है एनाबेला हिगिन्स। एंड उन्होंने ये भी बताया कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ 7 साल की उम्र में मर गई थी, एंड वो यहीं पे रहना चाहती है क्योंकि उसकी मौत से पहले वो यहीं पे रहती थी। एंड एनाबेला ने उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के जरिए से उन लड़कियों के साथ ये भी बोला कि वो उन लड़कियों के साथ सेफ महसूस करती है, एंड उन लड़कियों से पूछा भी कि क्या मैं आपके साथ प्लीज रह सकती हूँ। एंड उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ये भी बोला कि ये आत्मा आपकी कोई भी नुकसान नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये एक छोटी सी बच्ची की आत्मा है, एंड ये बस प्यार पाना चाहती है, इसको किसी का कोई नुकसान नहीं करना। एंड तब वो दोनों लड़की इस चीज़ को मान गई, एंड वो राजी हो गई एनाबेला को उन लोगों के साथ रखने के लिए। पर ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ये कहानी यहीं पे शुरू होता है। तो कुछ दिन बाद उन दोनों लड़कियों की एक फ्रेंड जिसका नाम था लो, वो भी उनके अपार्टमेंट पे रहने आया, एंड वो एक दूसरे कमरे में रहने लगा। लो को शुरुआत से ही एनाबेला को देखते ही बहुत ज़्यादा अनईजी महसूस होता था, उसको बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिविटी सा महसूस होता था। तो वो पहले दिन से ही डोना और एंजी को बोलने लगा कि इस डॉल को बाहर फेंक के आओ, पर डोना और एंजी ने उसका एक भी बात नहीं माना। एक दिन रात को लू अपने कमरे में अकेला सो रहा था, आधी रात में उसकी नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा है, चाहे वो कितना कोशिश कर ले। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसको पैरालिसिस हो गया है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहा था। एंड तभी उसको एक बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई दी, एंड जब वो अपने पैरों की तरफ देखा, उसने देखा कि उसके पैरों के सामने एनाबेला डॉल खड़ी हुई है, एंड उसके बाद वो एनाबेला डॉल खुद ब खुद चलते हुए उसके ओर आ रही है। एंड ये देख के वो बहुत ज्यादा डर गया। इसके बाद वो डॉल उसके छाती के ऊपर आके बैठ गई, एंड उसका गला दबाने लगी। जब उसका सांस घुटने लगा, वो खुद ब खुद बेहोश हो गया। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, तब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि मानो रात को कुछ हुआ ही नहीं, ये बस एक बुरा सपना था। तो इसके बाद एक दिन लो और एंजी
अकेले उस अपार्टमेंट में थे एंड उनको डोना के कमरे से कुछ बहुत जोर से गिरने का आवाज आया। उनको लगा कि शायद कोई चोर घुस गया होगा, तो वो दोनों तुरंत डोना के कमरे को ओपन किया एंड देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर वो डॉल एनाबेला बेड के नीचे गिरी हुई थी फर्श के ऊपर। एंड वो दोनों जब वहीं पे खड़े हुए थे, अचानक से लो को चेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई नाखून से उसको नोचे जा रहा है। एंड जब उसने शर्ट उतार के देखा तो उसने देखा कि वहां पे नोचने का निशान भी था और खून भी निकल रहा था। और इसको देख के वो बहुत ज्यादा डर गया एंड डोना और एंजी को इंसिस्ट किया एक प्रीस्ट बुलाने के लिए। तो उन्होंने जिस प्रीस्ट को बुलाया उनका नाम था फादर हेगन। एंड फादर हेगन को लगा कि ये आत्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है एंड वो इस आत्मा का कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने उनसे भी बड़ा एक प्रीस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर कुक। एंड फादर कुक ने कॉन्टैक्ट किया एड एंड लॉरेन वॉरेन से। तो जब उन्होंने उस आत्मा के ऊपर जाके इन्वेस्टिगेशन किया तब उनको पता चला कि इस डॉल के अंदर कोई भी 7 साल की छोटी सी बच्ची का आत्मा बिल्कुल भी नहीं था। इस डॉल के अंदर था एक शैतान का आत्मा एंड वो शैतान एक बच्ची बनने का नाटक कर रहा था। और उसका मकसद कोई प्यार पाना नहीं था, उसका मकसद था डोना के शरीर के ऊपर कब्जा करना। एंड ये सुनने के बाद डोना और एंजी बहुत ज़्यादा डर गई एंड उन्होंने इस डॉल को एड एंड लॉरेन को दे दिया। तो एड एंड लॉरेन अपने कार की बैक सीट पे इस डॉल को बिठा के अपने ही घर की तरफ जा रहे थे, पर रास्ते में जाते हुए ही उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स महसूस हुए। उनकी स्टीयरिंग एंड उनकी ब्रेक में भी बार बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, वो ठीक से गाड़ी चला ही नहीं पा रहे थे। इवन बार बार उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो रही थी, तो इसके लिए वो रास्ते पे रुक के उस डॉल के ऊपर होली वाटर छिड़का के उसको घर पे लेके गए। पर उनके घर पे लेके जाने के बाद भी उस डॉल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। वो डॉल एक कमरे से दूसरे कमरे पे खुद ब खुद चल के जाती थी। तब उन्होंने सोचा कि इस डॉल के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया जाएगा एंड उन्होंने फादर जैसन ब्रैडफोर्ड को बुलाया। जैसन ब्रैडफोर्ड ने बोला कि कोई डॉल के ऊपर एक्सॉर्सिज्म नहीं हो सकता, तो इसीलिए उन्होंने इस डॉल को देख के बोला, यू आर जस्ट अ डॉल, यू कांट हर्ट एनीवन। तुम बस एक डॉल हो, तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकती। ये बोल के वो अपने घर जा रहे थे। कुछ ही देर बाद एड और लॉरेन वॉरेन के पास कॉल आया कि वो जाते हुए एक एक्सीडेंट में मौत से बाल बाल बचे हैं। एंड तब एड एंड लॉरेन को पता चला इस डॉल की शक्ति के बारे में एंड तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को एक स्पेशली मेड वुडन बॉक्स के अंदर रखेंगे, जिस बॉक्स से ये डॉल बाहर नहीं जा पाएगी। एंड उस डॉल को उस बॉक्स के अंदर डाल के उन्होंने एक ऑकल्ट म्यूजियम के अंदर रख दिया, जहाँ पर वो डॉल अभी तक उस बॉक्स के अंदर है। उनको लगा था कि इस बॉक्स के अंदर रहने के बाद वो डॉल कुछ नहीं कर पाएगी, पर ऐसा नहीं था। एंड एड एंड लॉरेन को लगा था कि इस डॉल की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, पर नहीं, इस डॉल की कहानी अभी भी बाकी है। तो एक दिन एड एंड लॉरेन के कुछ दोस्त एनाबेला को देखने आए थे एंड उनमें से एक बंदा एनाबेला को देख के थोड़ा सा मजाक किया। उसके बाद ही जब वो एक लड़की के साथ बाइक से घर जा रहा था
रास्ते में उनका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। एंड उस एक्सीडेंट में वो लड़की तो बच गई, पर उस बंदे को बुरी तरह से चोटें लगी। एंड बाद में वो बंदा बताया कि वो बाइक पे भी एनाबेला के बारे में ही बात करते हुए घर जा रहा था। एंड तभी से एनाबेला दुनिया की सबसे ज्यादा शापित कर्स्ड डॉल माना जाती है। तो आपको कैसा लगा ये स्टोरी, मुझे ज़रूर बताओ। ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे तो कोई भी डॉल देख के ही डर लगता है यार, कोई भी डॉल देख के डर लग जाता है। तो आप भी बताओ कि आपको भी अभी कोई भी डॉल देखते ही डर लग जाएगा। एंड हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है इसको लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। गाइस, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग अपने जॉब्स खो बैठे हैं, बट मैं तो घर बैठे बिना मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ एंड आप लोग भी कर सकते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हो देन एक्स्ट्रा अर्निंग करना इज ऑलवेज गुड। तो विनोमो एक ट्रेडिंग ऐप है, तो इसको आप डाउनलोड कर लो। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक ग्राफ होता है एंड हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। तो मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। एंड एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे मेरे रियल अकाउंट से 7,000 rupees इन्वेस्ट किए हैं एंड यहाँ पे मैंने कमा लिए हैं 12,600 rupees। एंड अभी मैं इसे इजिली बैंक में विदड्रॉ भी कर सकती हूँ, तो क्यों वेट कर रहे हो यार, जल्दी से विनोमो को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।